उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले शनिवार को बड़ी सियासी घटना घटित हुई। भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। ये ऐलान सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया है आजमगढ़ में। इस दौरान उन्होंने मंच पर स्वागत किया और धन्यवाद दिया। सपा प्रत्याशी के समर्थन में गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के भगत पट्टी में शनिवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा का आयोजन किया गया था। जनसभा में भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पुत्र मयंक जोशी भी शामिल रहे। इस दौरान अखिलेश यादव ने उनके सपा में शामिल होने की घोषणा की। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मंच पर मयंक जोशी का स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मंच से अखिलेश यादव ने कहा, मयंक के आने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। इसके साथ ही भाजपा पर जमकर बोले, कहा कि लोग गर्मी निकाल रहे थे, अब छठे चरण में ही ठंडे पड़ गए हैं। उनके घरों से झंडे उतार लिए गए हैं। छठे चरण में ही समाजवादी पार्टी ने छक्के छोड़ा दिए हैं। बाबा मुख्यमंत्री की अब नींद उड़ रही होगी। इसी के साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य शीला यादव ने भी सपा की सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही मयंक जोशी अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे थे, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उनसे पूछा भी गया था, लेकिन उन्होंने साफ मना नहीं किया था। उन्होंने कहा था, हम समय ले रहे थे और उन्होंने समय दिया, इसलिए हम उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। लेकिन सातवें चरण के पहले मयंक का सपा में जाना कहीं ना कहीं सियासत के लिए एक बड़ी हलचल है।